अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी थी पॉपकॉर्न, तो मैंने सोचा साथ वीडियो भी बना लूँ और आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। इस टाइम रात के 11 बज चुके हैं और भूख लग रही थी क्योंकि जाग रहे थे। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि जब हम लेट नाइट जागते रहते हैं तो हमें दोबारा से भूख लग जाती है। तो इस टाइम फिर अपनी क्रेविंग को फिल करने के लिए मैंने सोचा कि पॉपकॉर्न बनाती हूँ। ये एक हेल्दी वे है, बजाय इसके कि कोई बेकरी आइटम या कोई इस तरह की अनहेल्दी चीज़ खाई जाए, उससे बेहतर है कि पॉपकॉर्न खाए जाए, जो एक एक हेल्दी वे है अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमने डाला है ऑयल। मैं एक्चुअली सरसों का ऑयल खाने में इस्तेमाल करती हूँ। हर चीज़ में मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि स्किन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दूसरा ऑयल हमारी सेहत को बहुत नुकसान देता है, इसलिए उसको यूज़ करने से अवॉइड किया करें। मैं सरसों के ऑयल को किस तरह से खाने के काबिल बनाती हूँ जिससे कि आपको फील भी नहीं होता कि आप सरसों के ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी स्मेल और जो टेस्ट वगैरह था वो सब ख़त्म करने के लिए। वो उसकी भी मैं वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि मैं कैसे इसको करती हूँ। अभी फ़िलहाल हम चेक करते हैं कि पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। ये मैंने सरसों का ऑयल 2 चम्मच डाला है इसमें, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये साल्ट डाला हुआ है जो आपको नजर आया, और साल्ट भी मैं पिंक साल्ट इस्तेमाल करती हूँ, वाइट सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप लोग भी पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया करें, जो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। वाइट सॉल्ट हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता बल्कि नुकसानदेह होता है। पिंक सॉल्ट में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं और ये कुदरती साल्ट होता है। ये जो वाइट सॉल्ट होता है ये कुदरती नमक नहीं है और हमारी सेहत को नुकसान देता है। अच्छा, ये अब हल्का सा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर पॉपकॉर्न ऐड करूँगी। फिर इसमें पॉपकॉर्न ऐड किए हैं और इसको हम थोड़ी देर बस ना हल्का से इसको बस करेंगे। आपने आँच तकरीबन दरमियानी सी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत स्लो भी नहीं रखना। इसको मैं हल्का सा गर्म ऑयल में डाल के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर लिड रख देंगे और फिर इसके जब पॉपकॉर्न बनेंगे तो उसका सीन तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है देखने वाला। ये देखें, अब पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा और आवाज़ भी शायद आ रही होगी कि कैसे पॉपकॉर्न बन रहे हैं हमारे। अब इसका वेट करना है जब तक इस तरह की आवाज़ आती रहेगी। ढक्कन को बिल्कुल नहीं खोलना वरना सारे पॉपकॉर्न उड़ के बाहर आ जाएंगे, इसलिए इसको वेट करना है। जब आवाज़ आना बंद हो जाएगी ना, फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद इस कैप को खोलना है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब इसको ये कंप्लीट इसकी आवाज़ आना बंद होती है, उसके बाद हम खोल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे पॉपकॉर्न बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इनका जो घर में इस तरह पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, उनका टेस्ट बाहर के पॉपकॉर्न से बहुत अच्छा होता है। आप बिलीव मी, ट्राई करके देखना आप कि बाहर जो हम पॉपकॉर्न लेते हैं उसका टेस्ट और होता है, लेकिन आप इस तरह से इनको बनाएंगे ना ऑयल और नमक लगा के तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।